भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष यदुवंश भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होने के लिए गोरखपुर पहुंचे। शुक्रवार को एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 2014 के बाद से भाजपा और युवा मोर्चा का एक भी कार्यकर्ता घर नहीं बैठा है। आपने कभी देखा है कि सरकार बनने के बाद एक पार्टी है जो झाड़ू लगाती है, एक पार्टी है जो वृक्ष लगाती है, एक पार्टी है जो ब्लड डोनेट करती है। पहली पार्टी भाजपा है जिसने दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती समारोह के अंतर्गत 22 कार्यक्रम सेवा के लिए किए हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के 3 करोड़ लाभार्थी यूपी में हैं, 1 करोड़ 80 लाख भाजपा के सदस्य हैं, 40 लाख दायित्वधारी कार्यकर्ता भाजपा के यूपी में हैं, 3 करोड़ 43 लाख वोट पाकर हमने पिछले बार 73 सीटें जीती थी, इतना ही वोट पाकर हमने विधानसभा में 325 सीटें जीती थी। ये जो 5 करोड़ की संख्या है, ये पूरी फौज जब युद्ध के लिए कूच करेगी तो गठबंधन कहीं दिखाई नहीं देगा, उनके मंसूबे नष्ट नाबूद हो जाएंगे। उन्हें इस बात का पूरा विश्वास है कि वे यूपी में 75 से अधिक सीटें जीत रहे हैं। भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है जिसने 1967 के बाद 3 स्टेट में 51% से ज़्यादा मत हासिल किए हैं। इसी तरह हम लोग 51% की लड़ाई यूपी में लड़ रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने आगे बताया कि राहुल गांधी तो अपनी पुश्तैनी सीट स्मृति ईरानी के डर से छोड़कर साउथ इंडिया भाग गए हैं। उन्हें पता चल जाए कि उस सीट पर मोदी जी लड़ने आ रहे हैं तो डर के मारे अमेठी ही नहीं जाएंगे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष यदुवंश ने कहा, अभी 2 मिनट रुकिए, तो रुका है 3 मिनट जो हमने कहा भैया 4 कलर और हमको बाहर कर देंगे आपको नरेंद्र सिंह जी, हमने कहा हमें भी चले जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय 2019 का चुनाव चल रहा है, उसी के निमित्त भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज करीब 8 लोकसभाओं के जिलाध्यक्ष जो उसमें आते हैं और उनके महामंत्री हैं जो युवा मोर्चा के, और हम लोगों ने सभी लोकसभाओं में एक एक प्रदेश पदाधिकारी को डिप्लॉय किया है, वो सभी लोग ऐसे प्रमुख लोगों की आज एक बैठक 2:30 बजे से है, जिसमें युवा मोर्चा के लोग कैसे बूथों पर जा कर के उसको विभिन्न अपनी जो योजनाएं हैं लाभार्थियों से मिलने से लेकर के चाय पे चर्चा से लेकर के प्रभात फेरी निकालने तक लेके ऐसे 5-7 कार्यक्रमों की योजना रचना बनाई गई है, और ये टोटल जो मोबिलाइजेशन है युवा मोर्चा का वो और तेज हो सके, इसी विषय को लेकर के आज अपनी वो बैठक है। और दूसरा विषय है कि अभी चुनाव चल रहा है और माननीय रवि किशन जी अपने यहाँ पर प्रत्याशी हैं। रवि किशन जी के बारे में मैं आप लोगों से एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, वो भोजपुरी के एक बड़े सिंबल हैं, एक प्रतीक हैं, और ये जो गोरखपुर की सीट है यहाँ पर जनता का आशीर्वाद बहुत भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है, और परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी का पूरा जीवन यहाँ के लोगों की सेवा में गुजरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री होने के बाद भी पूरी कोशिश करते हैं कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय गोरखपुर की जनता के लिए उपलब्ध रहे, और वो खुद लगातार डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन में रहते हैं यहाँ की जनता के साथ, और हमें लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में वो अकेले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे कि जो पहले यहाँ सांसद थे आज भी वो अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ इतना क्लोज संपर्क में रहते हैं। उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के विकास कार्य यहाँ पर किए गए हैं, और पूरे प्रदेश में वैसे बहुत विकास कार्य किए गए हैं। जैसे आप अगर देखेंगे तो 4,60,000 करोड़ की इन्वेस्टर समिट उन्होंने करा करके एक इतिहास रचा उत्तर प्रदेश में। पूर्वांचल एक्सप्रेस की चाहे बात हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस की बात हो, चाहे डिफेंस कॉरिडोर की बात हो, चाहे इनक्यूबेटर संस्कृति लाने की बात हो। इनक्यूबेटर वो होता है जिसमें कोई नौजवान इंजीनियरिंग करने के बाद या BBA BCA करने के बाद अपना अगर व्यवसाय शुरू करना चाहता है
तो वहाँ पर उनको अलग से सरकार ऑफिस बना करके देती है बहुत कम पैसे में। आपको जान करके खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश में इस समय 8 इनक्यूबेटर माननीय योगी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं और देश का सबसे बड़ा इनक्यूबेटर अमौसी एयरपोर्ट के सामने 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, शीघ्र ही वो तैयार हो जाएगा। इसके अलावा मुद्रा लोन है और स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंडअप इंडिया है, 16 लाख करोड़ का मुद्रा लोन मिला है जिसमें सबसे ज़्यादा लोन उत्तर प्रदेश में गया। अगर एक यूनिट में 4 आदमी काम करते हैं तो आप देखिए कितना रोजगार का सृजन हुआ है। तमाम जो संस्थाएं थी भर्ती की वो पिछली सरकारों ने उनको दूषित कर रखा था और सरकार लगातार अभी जैसे लेखपाल की भर्ती हुई, सिपाही की भर्ती हुई, चुनौती दे करके मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं कि अगर आपको एक कोई भ्रष्टाचार का कोई उदाहरण उत्तर प्रदेश में कहीं दिख जाए कि किसी ने पैसा लिया या पैसे की मांग की तो आप बताइए। एक बहुत ही स्वच्छ तरीके से ये सब भी कार्य लगातार चल रहा है। सड़कों का जाल लगातार उत्तर प्रदेश में बिछाया जा रहा है। अगर गोरखपुर की बात करें तो एम्स की ओपीडी यहाँ पर चलने लगी है और फर्टिलाइजर का काम भी बहुत द्रुत गति से चल रहा है। महेश्वरा का जो पुल इतने दिनों से वेटिंग में था उस पर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। अंदर की सड़कों में जाम से मुक्ति के लिए यहाँ पर सड़कों के चौड़ीकरण का काम किया गया है। आप ये देखिए इतने दिनों से जो अपना रामगढ़ ताल था जो एक तरह से कभी वहाँ अराजक तत्व और ये सब रात के अंधेरे में बैठे रहते थे, आज उसको प्रदेश के एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का कार्य किया गया है। और माननीय योगी जी गोरखपुर की धरती को सबसे ज़्यादा इस लोकसभा की उन्होंने सेवा की है, ये गौरव की बात है कि आज वो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं अपने कार्यों के कारण और अपने जो उनका अपने स्वयं के प्रति अनुशासन है और जो उनका व्यक्तित्व है। और ये हम सब गोरखपुर के आसपास जो मैं संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ तो आप ये देखेंगे सर्व समाज का लगातार यहाँ पर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और रवि किशन जी प्रचंड बहुमत से जीत करके सदन में जाएंगे। उनके जाने से भोजपुरी भाषा का, भोजपुरी क्षेत्र का, भोजपुरी संभाग में रहने वाले लोगों का एक गौरव की बात होगी। वो वहाँ पर इस मुद्दे को उठाएंगे। जो सिनेमा है अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और भोजपुरी सिनेमा में एक बड़ा नाम रवि किशन जी का है। तो ये जो हमारा अपना भोजपुरी समाज है यहाँ का वो चतुर्दिक क्षेत्रों में प्रगति करे, उसका मान सम्मान बढ़े, उसमें भाषा का सम्मान भी एक बड़ी बात है। उसके एक सिंबल, एक प्रतीक के रूप में रवि किशन जी हैं और जिनको युवाओं का, महिलाओं का और वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े, सर्व समाज सबका समर्थन गोरखपुर में मिल रहा है। तो वो प्रचंड बहुमत से यहाँ से चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के सभी 160,000 बूथों पर, 13,500 सेक्टरों में, 1,471 जो मंडलों में और सभी 6 क्षेत्रों में, सभी 94 संगठनात्मक जिलों में पूरे तन मन धन से लगा हुआ है कैसे पार्टी को प्रचंड विजय हासिल हो। इसी प्रकार से गोरखपुर क्षेत्र में भी और गोरखपुर की इस लोकसभा में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे अपने प्राणपण से लग करके पार्टी की प्रचंड विजय को सुनिश्चित करेगा। देखिए इतना माहौल दिख रहा रवि किशन जी का, मैंने आपको बताया कि रवि किशन जी को एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और वो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, उनका आशीर्वाद, और दूसरा रवि किशन जी की अपनी पर्सनालिटी, भोजपुरी भाषा के जो एक सिंबल के रूप में है और जो जिनका अच्छा व्यक्तित्व भी है और भारतीय जनता पार्टी के वो कैंडिडेट हैं तो वो माननीय मोदी जी के कैंडिडेट हैं, माननीय अमित शाह जी के कैंडिडेट हैं, माननीय योगी जी के कैंडिडेट हैं, उत्तर प्रदेश और लोकसभा की इस पूरी जनता के कैंडिडेट हैं, तो बहुत उनको समर्थन मिल रहा है और वो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। रही बात युवा मोर्चा की तो पिछले 1 सालों में उत्तर प्रदेश में युवा मोर्चा ने कुल 38 कार्यक्रमों को संपन्न किया है जिसमें से बूथ स्तर तक के 12 कार्यक्रम हम लोगों ने संपन्न किए हैं। इससे हम लोग 1.5 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को हम लोगों ने सीधे संपर्क किया है विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से। ये सारे कार्यक्रम होते हैं जो रचनात्मक
कार्यक्रम थे, सेवा के कार्यक्रम थे, जैसे स्वच्छता का एक अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लिया था, बाइक रैली हम लोगों ने की थी, भीमराव अंबेडकर शोभा यात्रा हम लोगों ने किया था, रन फॉर नमो हम लोगों ने किया था, यूथ पार्लियामेंट का आयोजन हम लोगों ने किया, पहले 6 किया था फिर 19 किया, इस तरह से टाउन हॉल का कार्यक्रम आपने देखा होगा किया था माननीय मुख्यमंत्री जी, उसमें लाइव थे और सभी 94 जिलों में स्क्रीन लगा करके उसका प्रसारण किया जाता, जी न्यूज ने उसको लाइव किया था पूरे में। तो ऐसे युवा मोर्चा ने कुल 38 कार्यक्रम पूरे प्रदेश में किए हैं। चुनाव के दृष्टिकोण से इनके ज़्यादा मोबिलाइजेशन के लिए, इस गति को और तेज करने के लिए अलग अलग प्रकोष्ठों में इनको बांट करके, और इसी के तहत आज ये बैठक भी है कि इनको और तेज कैसे हम लोग कर सकते हैं, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है और जनता से ज़्यादा संपर्क कैसे कर सकते हैं, इसलिए आज की ये बैठक। गठबंधन से कितनी चुनौती दिखाई दे रही है उपचुनाव में हार दी हुई है? देखिए, जब 2014 के चुनाव में सत्ता के गलियारों से सपाइयों को, बसपाइयों को और कांग्रेसियों को हम लोगों ने खींच कर इनके घरों में कैद कर दिया था, तभी हम समझ गए थे कि ये लोग गठबंधन जरूर करेंगे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। तो ऐसा है, कोई हम भ्रम में नहीं थे, हमको पता था कि ये लोग जरूर इकट्ठे होंगे। आप किसी सपाई, सीरियस सपाई से पूछ लीजिए तो वो यही कहता है कि अरे भाई, अगर गठबंधन नहीं किए होते तो हम लोग तो एक भी सीट नहीं जीतते। तो ये अपने अस्तित्व के संकट के लिए इन लोगों ने गठबंधन किया है। लेकिन इससे, इस पर विजय पाने का हमारा फार्मूला क्या है? हम पहले दिन से 2014 के बाद से 51% की लड़ाई लड़ रहे हैं। 51% वोट भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो 1967 के बाद, देखिए 1967 के पहले के जो चुनाव थे वो आज़ादी की छाया में लड़े जाते थे, लेकिन 67 के बाद भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है जिसने 3 स्टेट में 51% से ज़्यादा मत हासिल किए हैं। इसी तरह हम लोग 51% की लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। इसके लिए 2014 के बाद से एक भी कार्यकर्ता भाजपा और युवा मोर्चा का घर नहीं बैठा है। आपने कभी देखा है कि सरकार बनने के बाद एक पार्टी है जो झाड़ू लगाती है, एक पार्टी है जो वृक्ष लगाती है, एक पार्टी है जो ब्लड डोनेट करती है? पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसने दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती समारोह के अंतर्गत 22 कार्यक्रम सेवा के किए, और इन कार्यक्रमों में हमने 56 लाख नए लोगों को जोड़ने का काम किया। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से हम लोग लगातार 51% की राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी एक चीज़ मैं बताऊं, गठबंधन से विजय का हमारा क्या तरीका है? 3 करोड़ लाभार्थी हैं उत्तर प्रदेश में केंद्र और प्रदेश की योजनाओं के, 1,80,00,000 सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, और 40 लाख दायित्वधारी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में। 3,43,00,000 वोट पा करके हमने पिछली बार 73 सीटें जीती थी, लगभग इतना ही वोट पा करके हम लोगों ने पिछली बार विधानसभा में 325 सीटें जीती थी। तो ये जो 5 करोड़ की संख्या हमने बताई है, 3 करोड़ लाभार्थी, 1,80,00,000 और 40 लाख दायित्वधारी कार्यकर्ता, ये पूरी फौज जब युद्ध के लिए कूच करेगी तो गठबंधन कहीं दिखाई नहीं देगा, इनके मंसूबे नेस्तनाबूद। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सपना देखने पे फुल छूट है, इस पर कोई टैक्स नहीं। मतलब सपना सच नहीं होगा उनका? भाई आप खुद देखिए, अंकगणित ही उनके खिलाफ है। विपक्ष का नेता बनने के लिए भी कम से कम 55 सीट चाहिए, 38 सीट से कैसे, ये तो सवाल उनसे आप लोगों को पूछना चाहिए। राहुल जी से पूछा जाए कि मायावती जी से पूछा जाए? हम आपको क्या बताएंगे, आप मीडिया के लोग खुद तय करें किससे पूछना है। राहुल जी स्मृति जी के सामने डर के मारे छोड़ करके साउथ इंडिया भाग गए, जो उनकी पुश्तैनी सीट थी, और अगर उनको ये पता चल जाए मोदी जी लड़ने आ रहे हैं तो अमेठी जाएंगे ही नहीं डर के मारे। जो आप, कितनी सीटें लग रहा है यूपी में आप? 75 प्लस।